हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा सोशल एक्सपेरिमेंट में। सो तो मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो रोलर क्लीनिंग के लेके आया हूँ। आपको अगर नॉर्मल क्लीनिंग या स्पेशल क्लीनिंग करना है तो उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो में जा सकते हो। मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक में भी दिया गया है और बाकी आप चैनल के नीचे वीडियो भी सर्च कर सकते हो। अगर किसी का नॉर्मल क्लीनिंग से और स्पेशल क्लीनिंग से अगर प्रिंटर की क्वालिटी अपग्रेड नहीं होती है, साफ़ नहीं होता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है, स्टक बार बार हो रहा होता है, तो आप रोलर क्लीनिंग से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, तो एक और रोलर क्लीनिंग ही लास्ट मोड रह जाता है जिससे कि हम क्लीनिंग करते हैं। सो गाइज, अगर इस चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सपोर्ट करिए। सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसेस। तो ये वाइपिंग पैड्स जो कि आपका आपके जो प्रिंटर के साथ में एक पॉली बैग होगा उसके अंदर में दिए होते हैं, तो आप ये दोनों वाइपिंग पैड्स निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक पानी का मग अपने पास में रखिए और एक सूखा कपड़ा अपने पास में रखिए, ठीक है। ये सूखा कपड़ा भी मेरे पास में है। तो सबसे पहले आपको वन का यूज़ करना है, उसके बाद सेकेंड का यूज़ करना है। वन का जो आप यूज़ करोगे वो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पानी में ये जो सूखा कपड़ा है वो आपको डिप करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्रिंटर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रोलर का यूज़ करते हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले इसको गीला करके इस पर आपको लगाना है। इसको आपको गीला करके यहाँ पे इसको गीला कर लेना है, वाइट वाले पोर्शन को। ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन इसके चारों तरफ का जो होता है उसको आपको गीला नहीं होने देना है। अगर हो भी जाता है तो आपको सूखे कपड़े से उसको साइड साइड से आपको पोंछ लेना है, ठीक है। किसी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये वाइट पोर्शन आपका गीला होना चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, अपनी ट्रे को बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको टर्न करिए, दो यहाँ पे हुक दिए हुए हैं और यहाँ पे दो छेद दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको इसके अंदर फिक्स कर देना है और फिक्स कर देना है इस तरह से, ठीक है। इसको ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा और ये जो साइड्स की ट्रे दिया हुआ है इसको आपको छोटी करके इसमें लगा देना है। ये देखिए गाइस, ठीक है। ये आपको अच्छे से टाइट कर देना है ताकि ये लूज ना रहे और क्लीनिंग करते समय ये इधर उधर ना हिले। आपको एक बार इंश्योर कर लेना है कि ये सही से फिक्स हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से टाइट है, ठीक है, ये अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए, आप वापस ही लास्ट में इसको चेक कर सकते हो कि ये होल में है या नहीं है। इस टाइम ये पूरी तरह से होल में है और ये फिक्स्ड है। उसके बाद ही आपको इसके अंदर डालना है और, ठीक है, अभी अच्छे से लग गया है। लगाने के बाद में फिर आपको इसके अंदर से ट्रे को वापस प्रिंटर के अंदर डाल देना है। अब आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो मोनो और कलर बटन दिए हुए हैं इन दोनों को प्रेस करके रखना है। प्रेस करके जब आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे जो ये लाइट है, ग्रीन लाइट ब्लिंक होता है दो बार तीन बार, उसके बाद में आपका मशीन रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो आपको इन दोनों को प्रेस करके स्टार्ट कर देना है। स्लोली ब्लिंक कर रहा है ये आपका फिनल। अब इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये ब्लिंक कर गया है, ठीक है। मोनो या कलर में से आपको दोनों में से किसी ना किसी एक बटन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट स्टेप हो सके। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो मशीन्स में आवाज़ आने लग जाती है, मतलब रोलर की क्लीनिंग इंटरनली हो रही होती है, ठीक है। अभी मेरी मशीन में आवाज़ आ रही है, उसको मैं सुन सकता हूँ। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी या फिर आपको फील हो रहा होगा अगर आप मेरे साथ में मेरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, इसमें 2 से 3 मिनट लग सकते हैं क्लीनिंग के अंदर, तो आपको 2 से 3 मिनट वेट करना होगा। एक और आपको बात मैं बता देता हूँ, इन दैट केस किसी कोई बंदा मेरे स्टेप्स को फॉलो करता है और वो प्रॉपरली नहीं हो पाता या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही होती, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्रॉब्लम क्या आती है,
अगर जो आपने वाइपिंग पैड जो अंदर लगाया है वो अगर सही से फिक्स नहीं बैठता या फिर लूज़ रह जाता है तो क्या होता है, क्लीनिंग प्रोसेस बीच में स्टक हो जाता है और ये जो यहाँ पे एक रेड लाइन लाइट होती है वो जलने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, ट्रे को बाहर निकालना है, वाइपिंग पैड को अच्छे से फिक्स करना है, वापस लगाना है और फिर यही प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जब तक ये क्लीनिंग हो रहा है, देखिए आवाज़ भी कटक 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 करके आवाज़ आ रही है, तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है और प्रोसेस सही हो रहा है। थोड़ी देर में जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आवाज़ आ रही है और जो प्रोसेस हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं क्लीनिंग का। ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है हमारा। अभी देखिए बिल्कुल प्रिंटर शांत हो गया है और जो ब्लिंक लाइट है वो स्लोली स्लोली ब्लिंक करने लग रही है। तो अब हमें पता लगा है कि जो हमारा वाइपिंग वाला था वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सीधा ट्रे आपको बाहर निकालनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, अभी हमने रोलर को क्लीन किया है तो इसके अंदर ये देखिए इसको ना यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखिए इसको चौड़ा करना है आपको, पाइपिंग पैड को आप निकाल लीजिए। अभी क्या होता है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस करने के बाद में ना हमने जो रोलर को क्लीन किया है तो वो रोलर गीला हो जाता है या उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो सेकंड स्टेप होता है हमें, ये दूसरा वाइपिंग पैड होता है, ये वाइपिंग पैड को हमें गीला नहीं करना होता है, ये पैड दिया होता है तो इसको हमें लगा के जो अंदर मॉइस्चर रह गया है उसको हमें साफ़ करना होता है। तो वापस से ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे आप हाथ रख के चेक करिएगा कि ये फिट बैठा हुआ है और ये टाइट है, ठीक है। सिर्फ इतना आपको मेक श्योर करना है कि ये सब सही से लगा हो, लूज ना हो, ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अब इसको हम वापस से डालते हैं। ये सेकंड स्टेप सिर्फ इसलिए होता है ताकि रोलर के अंदर किसी तरह का मॉइस्चर ना हो, रोलर किसी भी कोई भी तरह का गीला ना हो, इसलिए हम सेकंड प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपने ट्रे को इंसर्ट कर दिया है और मोनो या कलर में से कोई भी एक आपको बटन दबाना है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो आपने क्लीनिंग मोड पे किया था। वो ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी तरह का मॉइस्चर इसके अंदर रोलर के अंदर ना रहे। अभी देखिए सेम 2 से 3 मिनट लेगा और जो आपका वाइपिंग पैड है वो क्लीन हो जाएगा, जो रोलर है आपका वो क्लीन हो जाएगा और जो मॉइस्चर है वो इसका निकल जाएगा। एक और इससे एक्स्ट्रा भी आप काम कर सकते हो मॉइस्चर को क्लीन करने के लिए, वो आपको क्या करना है, अभी जैसे कि प्रोसेस हो रहा है इसमें आपको मैं बता भी देता हूँ। जैसे कि आपका क्लीन हो जाता है सारा कुछ, आपका प्रोसेस रेडी है, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 बार आप ब्लैंक पेज है वो आप निकाल लीजिए। ब्लैंक पेज आप जब निकालोगे तो उससे क्या होगा, जो मॉइस्चर है किसी तरह का इन दैट केस अगर रह भी जाता है तो ब्लैंक पेज में आ जाएगा आपको। अभी देखिए आवाज़ वैसे ही आ रही है स्टार्ट, तो ठीक है। तो इसके बाद आप वो ब्लैंक पेज वाला भी एक स्टेप कर लीजिए, प्रिंटर को लगा दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए जैसे आप कर रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्मल आप ब्लैंक पेज दीजिए 4 से 5। उसके बाद में आपको किसी तरह का मॉइस्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है 101% रिजॉल्व हो जाएगी और आप ये जो रोलर क्लीनिंग का प्रोसेस आप कर चुके हो, आपका जो प्रिंटर है वो सही से काम करेगा। इन दैट केस कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट करिए। इन दैट केस अगर आपका प्रिंटर में और भी कोई किसी तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आपको मैसेज में कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, या फिर नेक्स्ट अगर आपको मेरे को लगता है कि अगर टेक्नीशियन ही उसका लास्ट ऑप्शन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेक्नीशियन के पास जाइए और फिर आप उसको दिखाइए। तो अभी देखिए ये जो सेकंड प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है, लाइट अब कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब अब हम ट्रे को निकाल सकते हैं और जो हमारा सेकंड मॉइस्चर वाला प्रोसेस था वो भी क्लीन हो गया है, ठीक है। अब ये ट्रे है, इसको हम ये हमने पूरा चौड़ा कर दिया है और ये प्लेट हमने निकाल दिया है वाइपिंग पैड्स। अब हमारी ये नॉर्मल ट्रे है, इसमें आप ब्लैंक पेपर नॉर्मल डाल दीजिए और उसके बाद में 3-4 ब्लैंक करके आप निकाल लीजिए। ध्यान रहिए, एक और मैं बात बता देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि स्कैनर में पेपर लगा के हम उसको ब्लैंक पेपर निकाल लेते हैं, तो ऐसा मत करिए।
स्कैनर में डाल के पेपर को ब्लैंक मत निकालिए, आप नॉर्मल इसको डेस्कटॉप से कनेक्ट करके नॉर्मल जाके किसी भी वर्ड पैड में जाके तब आप ब्लैंक दीजिए, इसमें डाल के आप मत कीजिएगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक साइड से लेफ्ट राइट साइड से नीचे से उठा लेता है। सो गाइज, ये पूरा प्रोसेस था रोलर क्लीनिंग का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपकी कितनी हेल्प हुई। अगर आपको थैंक्स बोलना वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इन दैट केस अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए ब्रदर प्रिंटर के रिगार्डिंग, आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी गाइज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वही मेरा सपोर्ट है। और देखते रहिए, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।